चंडीगढ़ में पाकिस्तान पर बात करते हुए सुरक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए वादे करके मुकरना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए थे तो तब भी उन्हें वापस लौटने पर अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह रूस के उफा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में आतंकवाद के मुद्दे सहित भारत पाक संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण बात हुई, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की अंदरूनी लोकतंत्र प्रणाली और ISI के दबाव के चलते एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी बात से मुकर गया। उनके बगैर दरअसल पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत सरकार हो या डिक्टेटरशिप हो, वो उनके बगैर चल ही नहीं सकती। और विशेष तौर पर जबकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क के साथ है, भारतवर्ष के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है, वो तो तय ही फौज या ISI करती है। इसलिए उन्होंने इसका विरोध करना लाजमी था और किया है। ये पाकिस्तान का जो अवाम है, ये उनके अंदर ये लंबे अरसे से, जब से जंग उन्होंने ख़ास तौर पर 1971 की लड़ाई हारी है और दरअसल उससे पहले भी, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है उस समय की अगर बात करें तो उस समय से लेकर अभी तक उनके अंदर बदला लेने की भावना बनी हुई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।